हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंग्लिश और मैथ्स का पेपर ओवर हो गया है और अभी फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर ओवर हो गया है। अभी बच्चे बाहर आ रहे होंगे तो हम उनका लाइव रिएक्शन कैप्चर कर रहे होंगे कि क्या इंग्लिश की तरह फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर लेन दिया था, क्या ये भी टफ था। और इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि तीन पेपर के रिएक्शन के बिहाफ पे हमें अब जो मेरा परसों फिजिक्स का पेपर है उसके लिए कैसे पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक से या कितने सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। तो आइए चलते हैं सीधा स्टूडेंट्स के पास ही। क्या नाम है आपका? दक्ष। दिया भंडारी। साक्षी। आरुषि। प्रियांशी। अक्षत। यश नेगी। आकांक्षा। दीक्षा। एकता। शिखा। सिमरन। दक्ष, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा था। मेरा पेपर बहुत ही बेकार हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन आते थे, थोड़े बहुत नहीं आते थे। मेरा अच्छा हुआ पेपर। अच्छा था, इजी था, ठीक था, मॉडरेट ठीक ठाक हुआ था। सही हुआ? हाँ सही गया। सही गया, एकदम सही। बहुत अच्छा था, सही था। लेंदी था या कैसा था? लेंदी नहीं था पेपर, लेंदी नहीं था। अगर नॉलेज हो तो सारे हो जाएंगे, मतलब पढ़ के आना था, बुक से था। नहीं नहीं था, लेंदी सही था। इंग्लिश के हिसाब से कैसा था पेपर? इंग्लिश वाला मुझे इजी लगा। इंग्लिश वाला इजी लगा, ओके। लेंदी तो था, मतलब हाँ लेंदी था, लेंदी था, पर मतलब बुक से था, बुक के बाहर से कुछ भी नहीं था। इतना लेंदी नहीं था, ठीक था, मतलब नहीं, लेंदी वेंदी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। थोड़ा अगर रीड करके जाते तो बहुत इजीली हो जाता। नहीं लेंदी नहीं था। नहीं लेंदी तो नहीं था। नहीं नहीं लेंदी नहीं था। नहीं लेंदी तो नहीं था। कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन है? ये 35 का था तो शायद से 30 अबव। अभी अगला पेपर किस चीज़ का है? मेरा बिजनेस। बिजनेस की तैयारी कैसे चल रही है? बिजनेस अच्छी है। अगला पेपर किस चीज़ का है? फिजिक्स। और फिजिक्स की तैयारी कैसे चल रही है? कुछ भी नहीं चल रही। कहाँ से कर रहे हैं हम तैयारी? यूट्यूब से। अगला पेपर किस चीज़ का है? फिजिक्स। आपका? ज्योग्राफी। फिजिक्स। और फिजिक्स की तैयारी कैसे चल रही है? फिजिक्स की अच्छी चल रही है। आपका? ज्योग्राफी है। कैसी तैयारी चल रही है? ठीक ही चल रही है अभी तक तो। अच्छी चल रही है। कितने सैंपल पेपर करने का सोचा है हमने? मैंने 10 सोचा है, क्योंकि मैथ्स में मैंने ज्यादा नहीं किए थे और मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। राइट। ज्योग्राफी में तो मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, ज्योग्राफी में ना मतलब हो जाता है इजीली। सैंपल पेपर तो मैं बुक खरीद रखी पूरी, उसमें 22-25 सैंपल पेपर। बिल्कुल सही है। अगला फिजिक्स का कंट्रोल में, सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री कंट्रोल में। क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी मार्क्स की? 37 से ऊपर। और फिजिक्स में कितना सोच रहे हैं? फिजिक्स में ही बता रहा हूँ, 37 से ऊपर। पेपर कितने मार्क्स का फिजिक्स का? 40। 35 अब गया मैं। कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस है हमारी? 28 प्लस तो आ जाएंगे। 25 प्लस। 25 प्लस। 30 प्लस। 30। अराउंड 30 आ जाएंगे। ठीक है। अगला पेपर किस चीज़ का? BST का। जियो का। ज्योग्राफी। BST। जियो। फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है। तो अगले पेपर की तैयारी कैसे चल रही है और हमें कितने सैंपल पेपर लगाने का सोचा है हमने? अभी तो मैम ने कहा है कि सैंपल पेपर छोड़ दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है, कल ही पेपर है ना हमारा, तो 5 घंटे में पूरी बुक पढ़नी है, अच्छे से थ्योरी अच्छे से कर लेनी है, और जितना चाहे जितना बार बुक पढ़े उतना सही है, क्योंकि वो बुक के अंदर से सारे क्वेश्चन आएंगे ना, इसलिए। आपकी क्या राय है? हमें सैंपल पेपर करने हैं। नाइस। हाँ, सारी रिवीजन बुक की करके फिर सैंपल पेपर करने स्टार्ट। मुझे भी सारी रिवीजन करके सैंपल पेपर करने हैं। सर ने बोला है सैंपल पेपर में से ही आएगा, तो सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझ लूँगी, फिर उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस और कुछ एक दो क्वेश्चन सैंपल पेपर। अब तक कितने सैंपल पेपर लगाए हमने फिजिक्स में? मैंने अराउंड 2 लगाए होंगे, ज़्यादा नहीं। और आगे कितने सैंपल पेपर लगाने का सोच रहे हैं? आगे मैं अभी तो 2 दिन में ही पेपर है, तो ज़्यादा तो नहीं पाएगा, 2-3 लग जाएंगे।